a South Asian Canadian channel. Global investor fraternity, policy makers, corporate leaders, देवी और सज्जनों, आप सभी का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बहुत बहुत स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि मैं मुख्य अतिथि होने पर भी ये स्वागत की जिम्मेदारी क्यों उठा रहा हूं। ये इसलिए क्योंकि मेरी एक और भूमिका भी है। आप सबने मुझे भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश का सांसद भी बनाया है। उत्तर प्रदेश के प्रति मेरा एक विशेष स्नेह है और यूपी के लोगों के प्रति मेरी एक विशेष जिम्मेदारी भी है। मैं आज उस दायित्व को भी निभाने के लिए आज इस समिट का हिस्सा बना और इसलिए मैं देश विदेश से यूपी आने वाले आप सभी इन्वेस्टर्स का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश की धरती अपने सांस्कृतिक वैभव, गौरवशाली इतिहास और समृद्ध विरासत के लिए जानी जाती है। इतना सामर्थ्य होने के बावजूद यूपी के साथ कुछ बातें जुड़ गई थी। लोग कहते थे यूपी का विकास होना मुश्किल है, लोग कहते थे यहां कानून व्यवस्था सुधरना नामुमकिन है, यूपी बीमारू राज कहलाता था, यहां आए दिन हजारों करोड़ के घोटाले होते थे, हर कोई यूपी से अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था। लेकिन सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी है। अब यूपी को सुशासन से, गुड गवर्नेंस से पहचाना जा रहा है। अब यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए है। अब यहां वेल्थ क्रिएटर्स के लिए नित्य नए अवसर बन रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्तर प्रदेश के इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पहल है उसके परिणाम नजर आ रहे हैं। बिजली से लेकर कनेक्टिविटी तक हर क्षेत्र में सुधार आया है। बहुत जल्द यूपी देश के उस इकलौते राज्य के तौर पर भी जाना जाएगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है।
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से यूपी सीधे समुद्र से जुड़ रहा है, गुजरात और महाराष्ट्र के पोर्ट से कनेक्ट होता जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यूपी में सरकारी सोच और अप्रोच में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सार्थक बदलाव आया है। साथियों, आज यूपी एक आशा, एक उम्मीद बन चुका है। भारत अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है। साथियों, आप सभी इंडस्ट्री के दिग्गज यहां हैं। आप में से अधिकतर को एक लंबा अनुभव भी है। दुनिया की वर्तमान स्थिति भी आप सभी से छुपी नहीं है। आप भारत की इकोनॉमी के आज के सामर्थ्य और यहां के मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को भी बहुत बारीकी से देख रहे हैं। आखिर पैंडेमिक और वॉर के शॉक के बाहर निकलकर भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कैसे बना है? आज दुनिया की हर क्रेडिबल वॉइस ये मानती है कि भारत की अर्थव्यवस्था ऐसे ही तेजी से आगे बढ़ती रहेगी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वैश्विक संकट के इस दौर में भारत ने न सिर्फ रेजिलियंस दिखाया बल्कि रिकवरी भी उतनी ही तेजी से की? साथियों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है भारतीयों का खुद पर बढ़ता भरोसा, खुद पर आत्मविश्वास। आज भारत के यूथ की सोच में, भारत के समाज की सोच और एस्पिरेशंस में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आज भारत का हर नागरिक ज्यादा से ज्यादा विकास होते देखना चाहता है। वो अब भारत को जल्द से जल्द विकसित होते देखना चाहता है। भारत के समाज की एस्पिरेशंस आज सरकारों को भी पुश कर रही है और यही एस्पिरेशंस विकास के कार्यों में भी गति ला रही है। और साथियों, मत भूलिए कि आज आप जिस राज्य में बैठे हैं उसकी आबादी करीब करीब 25 करोड़ है। A South Asian Canadian channel.